हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स। दोस्तों, आज हमारा सफर पहुंच चुका है ज्योमेट्री पार्ट नंबर 14 की तरफ। जी हाँ दोस्तों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक जोड़ेंगे नहीं, ये है मेरा मोटो। यानी कि पूरा ज्योमेट्री का दोस्तों हर एक चीज को मैं करा रहा हूँ। पहले लाइन्स एंड एंगल्स कराया, उसके बाद ट्रायंगल कराया, अब कराने क्वाड्रेटिक स्पेशल क्वेश्चंस। ठीक है, इससे पहले अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में ज्योमेट्री फॉर ऑल एग्जाम्स करके है, वहां पर जाकर सारी वीडियोस को आप सभी देख लीजिए। ज्योमेट्री का कोई सिंगल भी क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में गलत हो गया तो फिर आप कहिएगा, गारंटी के साथ पढ़ाता हूँ, गलत नहीं हो सकता है। ठीक है ना। और इसके बाद हम सर्किल को डिटेल के साथ पढ़ने वाले, चाहे 40 पार्ट जाए चाहे जितना जाए, बस अच्छे से पढ़ लेना एक बार, जिंदगी में दोबारा ज्योमेट्री ना पढ़ना पड़े। और इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को अभी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी और विश्वास दोनों एक साथ मिलता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जितने भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के आपके एग्जाम्स में एक क्लास एसएससी सीजीएल मेंस और प्री दोनों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे एनटीपीसी ग्रुप डी को भी ये कवर कर रहा है, ठीक है, बाकी सारे एग्जाम्स को। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक चतुर्भुज के तीन कोण क्रमशः, कोई चतुर्भुज यहाँ बनाया है इस तरीके से, कोई भी चतुर्भुज, ये नहीं कह रहा कि यही, कोई भी चतुर्भुज बना दिया है ए बी सी डी। कह रहा जो एक कोण है वह 110 डिग्री है, दूसरा कोण कह रहा 85 डिग्री है, तीसरा कोण कह रहा 70 डिग्री है, चौथे कोण का मान पूछ रहा है। तो मैं आपसे बता देना चाहता हूं, जब कभी भी चौथे कोण का मान पूछे, त्रिभुज में हम क्या कर रहे थे, तीनों को जो दोनों को जो दिया रहता था जोड़ लेते थे और 180 में से घटा देते थे, ये ट्रायंगल में हम करते थे। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो करना क्या है, अगर तीन का वैल्यू दिया रहेगा ना, तीनों को जोड़ लीजिए और 360 में से घटा दीजिए, चौथा मिल जाएगा। अब सोच रहे होंगे आप लोग कि सर ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ऐसे करेंगे ना एंगल, चलिए कंसेप्ट भी बता देते, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360, ये हो गया ना। यानी कि ये चारों मिलकर बनाएंगे 360 डिग्री। एंगल ए का 110 है, एंगल बी का 85 है, एंगल सी का 70 डिग्री है, प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। अब इसको जोड़ लीजिए, 110 और 70 180, 180 और 85 जोड़ लीजिए, 10 में से 5 के बाद 17 में से 8 जगह 9, यहाँ पे जोड़ेंगे एक मिलकर, अरे घटा दिया सॉरी, तो 180 प्लस 5 8 16 265 डिग्री हुआ ना। इन तीनों को जोड़ा तो 265 डिग्री हो गया, प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। तो एंगल डी का वैल्यू कितना हो गया पता, 360, ये प्लस 265 उधर जाकर माइनस 265। दोस्तों अगर हम घटा देते हैं 360 में से 265 तो कितना आता है, 10 में से 5 जाएगा, 15 में 6 जाएगा 9, 95 डिग्री। कितना आ गया, 95 डिग्री। दोस्तों कह रहा चौथे कोण का मान कितना होगा, चौथे कोण का मान 95 डिग्री होगा, यानी कि एंगल डी निकलेगा 95 और आप चले जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। किसके साथ चले जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो बताइए क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, ठीक है ना। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं अगर आप पूरा साथ देते हैं तो वीडियो को भी सही लाइक कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी और विश्वास दोनों एक साथ मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं, ठीक है ना। सारे चीजों को हम आराम से देखने वाले हैं, कोई धांधलेबाजी में नहीं है, ठीक है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे पास आते रहेंगे। दूसरा कह रहा है, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3 संबंधी 4 संबंधी 5 संबंधी 6 सबसे छोटे कोण का मान कितना है। देखिए इसको दो तरीके से लगा सकते हैं, एक है ट्रिकी मेथड, एक है बेसिक मेथड, ठीक है ना। तो बेसिक और ट्रिक दोनों आप लोग कर लीजिएगा, मैं दोनों बता दूंगा। ये कह रहा है 3 है तो ये 4 मान लिया, तो ये मान लिया 5, तो ये मान लिया 6, ठीक है ना। इसको 3 मान लिया, इसको 4 मान लिया, ठीक है ना। तो ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये चीज दे रखा है। तो दोस्तों हम जानते हैं जो चारों मिलकर होते हैं वो 360 होते हैं, तो यहाँ चारों मिलकर कितने हो रहे हैं, 4 3 7 7 6 13 13 5 18, यानी कि जो 18 का वैल्यू दे रखा है वो 360 डिग्री दे रखा है, ठीक है ना। 18 का वैल्यू कितना दे रखा है, 360, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 × 36 20 डिग्री, एक का वैल्यू कितना हो गया 20 डिग्री, ठीक है ना। एक का वैल्यू हमारे पास आ गया है 20 डिग्री, एक का वैल्यू आ गया। दोस्तों एक का वैल्यू यानी कि एक का जो मान आ गया है वो 20 डिग्री आ गया है। सबसे छोटा कोण इसमें से कौन है, कह रहा सबसे छोटे कोण, सबसे छोटा 3 दिख रहा है ना, तो अगर एक का वैल्यू 20 डिग्री है तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 3 60,
तीन से दोनों साइड में गुणा करा दिया। क्यों करा दिया? क्योंकि तीन, हमें तीन की जरूरत थी, तो यानी कि तीन का एंगल आ गया 16 और हम चले जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। किसके साथ? ऑप्शन नंबर बी के साथ हम यहाँ पर चले। अब बताइए समझ में आया नहीं है? एकदम अच्छे तरीके, अगर आप बेसिक से करना चाहते हैं ना, तो इसको x मान लीजिए, इसको x और इसको x, ठीक है, सबको जोड़ के 360 के बराबर कर दीजिए। x का मान अगर फिर रखना पड़ेगा, थोड़ा सा तामझाम बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। ये तरीका सही है क्वेश्चन को इजिली करने का। ये लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कह रहा है, दी गई आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें एंगल BAD इक्वल 70 डिग्री तथा एंगल CBD इज 65, तो एंगल BDC कितना होगा? यहां से इस तरीके का एक फिगर बना रखा है, ABC है D, ये है 70 डिग्री, ये है 65 डिग्री। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है एक दी गया ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। जी हाँ दोस्तों, ABCD कैसा चतुर्भुज है? एक समांतर चतुर्भुज है, यानी कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। और दोस्तों मैंने समांतर चतुर्भुज पर एक स्पेशल 10-12 मिनट का वीडियो बना रखा है, अगर आपने ज्योमेट्री फॉर ऑल एग्जाम्स करके देखा होगा प्लेलिस्ट, तो फिर आप समझ जाएंगे। यार मैं बार बार कहता हूँ, आपके फायदे की बात है, नोट बना लीजिए, जो भी ज्योमेट्री पढ़ाओ ना, जिंदगी में दोबारा कोई सा एग्जाम गलत होगा तो फिर मेरा नाम कहेगी, हाँ बैजनाथ सर ने गलत पढ़ाया था, आप एकदम गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दोस्तों, सॉरी, समांतर चतुर्भुज के जो कोण होते हैं ना वो बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के जो कोण होते हैं वे क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 70 डिग्री। यानी कि अगर यहाँ 70 है दोस्तों, तो यहाँ भी 100% 70 ही हो गया, यहाँ 70 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हैं कि ये पूछ रहा है एंगल BDC, यानी कि ये चीज पूछ रहा है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, अगर आपने ट्रायंगल वाला पार्ट देखा होगा तो फिर आप जानते होंगे यह एक ट्रायंगल बन चुका है, यानी कि एक त्रिभुज बन चुका है, ठीक है ना। क्या बन चुका है? त्रिभुज। त्रिभुज में जब दो कोण दिए होते हैं ना, तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं और 180 में से घटा देते हैं, फिर हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है ना। तो एंगल BDC कितना हो जाएगा? 180 माइनस 70 डिग्री प्लस 65 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? 180 माइनस 5, 7, 6, 13, 135 डिग्री। 180 में से 135 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 में से 5 जाएगा 5 और 7 में से 3 जाएगा 5, यानी कि 45 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। और हम चले जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। किसके साथ चले जाएंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए के साथ हम यहाँ पर चले जाएंगे। एकदम बेहतरीन बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं, और इस लॉकडाउन में दोस्तों अभी तो 2-3 महीने तक कोई एग्जाम नहीं होगा, मैं आराम से वीडियो बना रहा हूँ, कम बना रहा हूँ, लेकिन आप लोग उस वीडियो को पूरा देख कर एंजॉयमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए रहते क्वेश्चन नंबर 4। जब एग्जाम कोई सा भी आए फिर कमेंट करिए, फिर मैराथन क्लास, संडे को मैराथन क्लास आपका आएगा, संडे को मैराथन क्लास आप सभी के सामने, एलजेब्रा पार्ट 2, ठीक है ना, एलजेब्रा पार्ट 2, 1 घंटे के ऊपर का वो वीडियो रहता मैराथन, 1.5 घंटे के आसपास, पार्ट 1 मैंने बना रखा है, लिखिएगा एलजेब्रा मैराथन बाय बैजनाथ सर, तो आ जाएगा, ठीक है, उस वीडियो को आप सभी जरूर जाकर देख लीजिएगा। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या रहा है, एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाइयां क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। दोस्तों समचतुर्भुज यूं इस तरीके से लगभग बनता है, ठीक है ना, ABCD ये बन गया समचतुर्भुज। कह रहा है एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाइयां 16 तथा 12 है, यानी कि यह दे रखा है, यानी कि जो AC दे रखा है वो दे रखा है 16 सेंटीमीटर, और ये BD कितना दे रखा है दोस्तों? BD कह रहा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ये पूरा का पूरा 16 है और ये पूरा का पूरा 12 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 16 है AC और ये BD 12 है। अब आपको, अगर आपने पूरा समचतुर्भुज वाला कंसेप्ट पढ़ा होगा, इसीलिए जब मैं उसको सिखा रहा तो मैंने आपसे बता दिया था कि वीडियो को पूरा देखिए, बार बार मैं कहता हूँ दोस्तों, काफी फायदा होता है। यहाँ पे वो पे काट रहा दोस्तों, जब ये पूरा 16 है तो आधा ये 8 बना ना, और क्या बनेगा, आधा 8 बनेगा ना, यहाँ 8 बना, अगर ये पूरा 12 है तो ये कितना बनेगा, ये 6 बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ज्योमेट्री के मैंने पहले ही पार्ट में ट्रिपलेट बता रखा था, ठीक है ना,
ज्योमेट्री पार्ट उन्होंने ट्रिपलेट बता रखा है, यहाँ पर उसका उपयोग हो जाएगा। ट्रिपलेट क्या होता है, या फिर आप ट्रिपलेट नहीं पता है तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बना, ठीक है ना। तो जो दूर होता है दोस्तों वो कर्ण होता है। यह पाइथागोरस का प्रमेय जब लगाएंगे तो 8 8 64 6 6 36, या फिर मैं आपके सामने कर ही दे रहा हूँ, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस के प्रमेय से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 90 बनता है और बन चुका है समकोण त्रिभुज। ओ ए का 8 का स्क्वायर, ओ बी 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 8 8 64, 6 का स्क्वायर 6 6 36, 64 36 100। ए बी स्क्वायर हमारे सामने आ गया 100, तो ए बी का वैल्यू आ जाएगा, जब स्क्वायर उधर जाता तो करड़ी में 100, और 100 का वैल्यू कितना होता है 10, ये 10 सेंटीमीटर। लेकिन आपको इतना रामायण करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको कर सके। दोस्तों मैंने आपको एक ट्रिपलेट बताया था 3 4 5 का, कि अगर लंब 3 आधार 4 है तो कर्ण 5 100% होता है। अब इसमें अगर 2 का गुणा करा दिया गया है ना, 2 का, तो क्या हो जाएगा, 3 2 6 4 2 8, तो 5 2 10, यानी कि अगर ये दोनों 6 8 है तो 100% ये 10 हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये 10 हम तुरंत टिक लगा देंगे, आप चले जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। किसके साथ चले जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी के साथ। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं कल शाम 6:30 बजे नए कंसेप्ट और नए सवालों के साथ। 4 क्वेश्चन करा दिया, कल इससे ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। तो बस वादा करिए आप सभी लोग कि लॉकडाउन में अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना। बस एंड करते हैं, जय हिंद जय भारत।